हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका एक अनदर वीडियो में। और गाइस आज हम लोग टेम करने वाले हैं गैलीलियम को, वो भी कीबल से। जी हां गाइस, आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो कीबल्स टेमिंग की सीरीज चल रही है, तो गाइस आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम लोग टेम करने वाले हैं गैलीलियम को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग जो है गैलीलियम को फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग जो है गैलीलियम का जो है एसेंडेंट सैडल फ्री में कैसे ले सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो यहाँ पे मुझे गैलीलियम दिख चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये रहा सामने की तरफ हमारे एक गैलीलियम है। अभी मुझे इसका लेवल वगैरह तो नहीं पता है कि ये कितने लेवल का है, तो चलिए हम लोग आज इस गैलीलियम को टेम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे नॉकआउट करना पड़ेगा, तो नॉकआउट कर लेते हैं जल्दी से इसको और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको टेम करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पे एरो पड़ा हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग जो है गैलीलियम को नॉकआउट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग जो है यूज करिएगा जो है एक बोला। जी हाँ गाइस, क्योंकि बोला इसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो यहाँ पे मुझे एक बोला क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले देख लेता हूँ बोले के लिए मुझे इनग्राम्स यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह है कि नहीं, और एक मैं जल्दी से बोला क्राफ्ट कर लेता हूँ। सो लाइक गाइस, यहाँ पे मैंने बोला वगैरह क्राफ्ट कर लिया है और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस गैलीलियम को ट्रैप करने वाला हूँ। तो ये गैलीलियम बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, अगर आप लोग जो है विदाउट बोला इनको टेम करना चाहेंगे तो फिर आप लोगों के लिए हो सकती है बहुत ज़्यादा मुश्किल। और मैंने ध्यान नहीं दिया, आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी बोला वगैरह पड़ा हुआ था, बट कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसका लेवल भी बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए जो है हमें इसको ट्रैप करके ही नॉकआउट करने की कोशिश करना है, अदरवाइज ये बिल्कुल जो है बहुत तेज़ी से भगेगा, आप लोग बिल्कुल इसको टेम भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको हिट देना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसका लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है गाइस, इसलिए आप लोगों को मेक श्योर करना है कि इसको जल्दी से जल्दी नॉकआउट कर लें। और यहाँ पे फिलहाल के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको नॉकआउट करने के लिए, मुझे लग रहा जहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं हिटिंग तो दे रहा हूँ बट मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी नॉकआउट होगा, क्योंकि जो गैलीलियम का टॉर्पर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उनकी एचपी जो है गाइस बहुत ज़्यादा कम होती है, शायद आप लोगों को पता होगा फिर ना हो। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है पूरा अच्छे से व्यवस्था वगैरह कर लीजिएगा, तभी गैलीलियम वगैरह टेम करने आइएगा, अदरवाइज आप लोग शायद नहीं टेम कर पाएंगे गैलीलियम को। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको काफ़ी सारा हिट दिया है और अभी भी मैं इसका टॉर्पर चेक करने के लिए नहीं जा सकता, अगर मैं चेक करूँगा तो शायद हमें थोड़ा सा डिले हो जाए। इसका टॉर्पर देखिए 6K है, मुझे लगता है कि ये नॉकआउट नहीं होगा गाइस, आप लोगों को क्या लगता है नॉकआउट हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी एचपी जो है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। और यहाँ पे कॉर्नो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया हमें, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत टाइम पे आ गया, एक हिट कॉर्नो दे दिया है, मुझे लगता है इसकी एचपी आधे ज़्यादा डाउन हो गई होगी ऑलरेडी। सो चलिए गाइस, अभी भी इसकी एचपी ठीक ठाक दिख रही है मुझे तो, और अभी हम लोग इसको नॉकआउट कर सकते हैं आई थिंक। सो हमें ट्राई करते रहना, इसका 6K प्लस जो है टॉर्पर है इसका, और अभी 500 एचपी इसकी बची हुई है, आई थिंक मैं इसको नॉकआउट कर सकता हूँ, बस कुछ और हिट देना है और ये इसी तरह फंसे रहे भगे ना तो फिर तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए, एक हिट और चाहिए गाइस। चलिए चलिए जल्दी से एक और हिट दे देते हैं और ये फाइनली नॉकआउट हो गया हमारा, देखिए गैलीलियम। और इसकी टेमिंग इफेक्टनेस बिल्कुल बरकरार है, आई मीन फुल टू फुल टेमिंग इफेक्टनेस है, तो हमें बिल्कुल अब संभल के रहना पड़ेगा। और आप लोगों को शायद पता ना हो कि हम लोग जो है गैलीलियम को जो है गाइस डिमेट्रोडोन कीबल से टेम कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। और अभी हम लोग यूज़ करने वाले कीबल को इसको टेम करने के लिए, तो चलिए मैं जल्दी से डिमेट्रोडोन कीबल ले लेता हूँ। सो ये रहा गाइस हमारा डिमेट्रोडोन कीबल, तो मैं करीब करीब जो है 12-15 कीबल ले लेता हूँ, क्योंकि जो इसका लेवल है हमारा बहुत ज़्यादा हाई है और टाइम जो गाइस बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये विदाउट एनी स्मूथिंग ब्लेम कितना कीबल्स खा सकता है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे 18 कीबल्स ले लिए हैं। और मैं आपको एक बात तो बताना भूल गया गाइस, आप लोगों को इसका टॉर्पर मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत ही ज़्यादा बायोटॉक्सिन की, तो मेक श्योर करिए कि आप बायोटॉक्सिन जो है कैरी जरूर करें अपने साथ में। तो चलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दे देता हूँ जो है कीबल्स, आई मीन डिमेट्रोडोन कीबल, तो देखते हैं एक बार में कितना परसेंट जाता है। यहाँ पे 18 कीबल मैं दे रहा गाइस, आप लोगों को दिख रहा होगा, और यहाँ पे हमारा जो पहला राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो अभी हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने ज़्यादा कितने ज़्यादा कीबल्स की जरूरत पड़ने वाली है। और ये गाइस थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि कहीं मर न जाए। और लाइट तो यहाँ पे एक बार में 8% जा रहा है आपको जैसा कि दिख रहा होगा, इसका मतलब है गाइस ये टोटल लेने वाला है कि करीब करीब मुझे लगता है कि 12-15 कीबल लेने वाला है ये, एटलीस्ट 12-13 कीबल तो ले ही लेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो चलिए वेट कर लेते हैं ये जल्दी से टेम हो जाए। और यहाँ पे थोड़े बहुत ग्लिचेज वगैरह भी दिख रही है मुझे, आई थिंक इसकी वजह से मैं इसको क्लियरली नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ। और अब हम लोग इसको वेट करेंगे पूरा टेम हो जाने के लिए। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि आप लोगों को इसका सैडल कैसे मिल सकता है एसेंडेंट सैडल फ्री में, तो मैं आपको बता दूं कि एक पैराशूट आता है गैलीलियम टेम का, उससे आप लोग करेंगे तो आपको गैलीलियम को कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, बट यहाँ पे एक जो है पैराशूट आता है गाइस रैप्टर हंट का, उससे आई थिंक मुझे आपको मिल जाएगा यहाँ पे गैलीलियम का एसेंडेंट सैडल, उसको कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा इजीली गैलीलियम का एसेंडेंट सैडल। प्लस आप लोग अगर गैलीलियम को फाइंड करना चाहते हैं तो गाइस आप लोग रेडवुड में आ जाइए, तो आपको बहुत सारे गैलीलियम मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आप लोग नॉर्मली गैलीलियम को फाइंड करना चाहते हैं तो एक पैराशूट आता है गैलीलियम टीम का, उसको एक्टिवेट करके आप लोग जो गाइस कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। तो चलिए वेट कर लेते हैं ताकि हमारा जो गैलीलियम है जल्दी से टेम हो जाए।
सो लाइक गाइस यहां पे जो इसकी स्पीड मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी है ताकि आप लोगों को बोरिंग न लगे इस गैलेलियम को टेम करने में। और यहां पे आपको दिख रहा होगा जो है हमारी टेमिंग जो है काफी ज्यादा फास्ट हो गई है, बट यहां पे रैप्टर वगैरह आ गए थे, टेरर बर्ड आ गए थे जिसकी वजह से इसकी टेमिंग इफेक्टिवनेस थोड़ी सी ड्रॉप हो चुकी है। बट कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी भी ये हमारा चल जाएगा। बस हमें क्या करना है कि इसको सेव करके रखना है, और आप लोगों को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी एचपी वगैरह बहुत ही ज़्यादा लो होती है, तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि अगर आप लोग जो है नॉर्मल एरोज यूज़ करेंगे तो उसकी डैमेज बहुत ज़्यादा ना हो, बोझ की डैमेज जो है बहुत ज़्यादा ना हो, तो आप लोग इसको ईजिली नॉकआउट कर पाएंगे। और रहेगी बात गाइस कि आप लोग जो है पूरा विस्तार से जानना चाहेंगे कि कैसे आपको इसका सैडल वगैरह मिल सकता है, तो मैंने इस पे भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मली चले जाना है प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको पैरासूट की सारी वीडियो देख लेनी है गाइस। आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि किस पैरासूट को कब करना है, किस पैरासूट को कब करने से और कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा। आपको एक्स वाई जेड जितने भी पैरासूट आते हैं सारे के सारे उसमें मिल जाने वाले हैं। बहुत कम ही ऐसे पैरासूट होंगे जिसको मैंने कंप्लीट करके वीडियोज़ की न डाली हो, और एक एक बार नहीं दो दो बार नहीं गाइस, मैंने तीन तीन बार पैरासूट करके वीडियोज डाली है। अगर आप लोग पैरासूट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं कभी कभी, और इसके अलावा गाइस आप लोगों को थोड़े बहुत नॉलेज भी हो जाएगी कि किस पैरासूट से क्या मिलने वाला है आपको, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग अगर नया सर्वर खेल रहे हो या फिर सर किसी भी ऑफिशियल अनऑफिशियल सर्वर में खेल रहे हो तो आप लोगों को सर्वाइविंग करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आप लोग पैरासूट करके करेंगे तो। तो चलिए हम लोग फिलहाल के लिए अभी वेट करने वाले हैं ताकि ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो गाइस यहाँ पे हमारे साथ स्कैम हो गया गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ये गैलेलियम है गाइस टेम भी नहीं हुआ और इसका टॉर्बर पता नहीं अचानक से जीरो हो गया और ये खड़ा हो गया विदाउट टेम किए हुए गाइस। अब क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ भग गया ये गैलेलियम, हमारा सब कुछ ले गया ये, अचानक से ये कैसा स्कैम हो गया। लास्ट पॉइंट टेम होने वाला था ये अचानक से खड़ा हो गया गाइस, अब ये कहीं भग भी गया और उसमें बहुत सारे केबल्स भी थे सब ले गया गाइस, ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ। तो यहाँ पे हमारे साथ धोखा हुआ गाइस, तो आप लोग मेक श्योर करिए कि बहुत सारा जो बायोटॉक्सिन वगैरह सारी चीज़ें कैरी करिए, उसको टाइम टू टाइम फीड करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और हमारे साथ ऐसे ही अगला स्कैम ना हो तो आप लोग भी बी केयरफुल रहिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना कर दें।